स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके विजन क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे हैं द लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड, रिटन बाय एनिस जंग। ये जो चैप्टर है एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है। ये कहानी जो है दो पार्ट में बटी हुई है, एक साहिब आलम और दूसरा है मुकेश। ठीक है, ये कहानी उस बच्चों की है जो बचपन अपना खो देते हैं, इसीलिए ये कहानी का नाम पड़ गया द लास्ट स्प्रिंग। ठीक है, बचपन अपना खो देते हैं, वो ना तो स्कूल जा पाते हैं ना ही खेल कूद पाते हैं, यानी खेलने के उम्र में वे लोग कहीं काम करते हुए नजर आते हैं या तो कहीं कूड़ा करकट कचरा बीनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो यही कहानी है, इसलिए इसे इस चैप्टर का नाम पड़ा है द लास्ट स्प्रिंग। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ वो जो बच्चा है साहिब, वह कहता है कि समटाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम मीन्स कभी कभी, आई फाइंड ए रूपीज इन गार्बेज, कूड़े में पड़ा हुआ मुझे एक रुपया मिल जाता है। गार्बेज में सोता है कूड़ा, कह रहा है कि कभी कभी मुझे कूड़े में पड़ा हुआ एक रुपया मिल जाता है। तभी जो लेखिका है वो पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा, हुम जिसे आई एनकाउंटर रोज मिलती थी, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नाइबरहुड, करके कि मेरी पड़ोसी में जो कूड़ा फेंकने का स्थान था वहाँ पर मैं उससे स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, धन मांगते हुए या फिर ढूंढते हुए मैं उसको मिल जाती थी, वो मुझे मिल जाता है। कौन? साहेब। कह रहा है कि आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। कहीं मैं साहब से पूछती हूँ जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन मांगते या फिर उसको खोजते हुए वो मुझे मिलता है। ठीक है, अब कलम कॉपी लेके बैठिएगा, एक एक मीनिंग्स का मैं अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो भी डाउट्स हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे क्लियर करेंगे, तुरंत क्लियर करेंगे। देखिए, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब अपना घर बहुत समय पहले ही क्या किया था, छोड़ दिया था। साहेब अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था, यानी लॉन्ग एगो, बहुत पहले ही। सेट एमिडस्ट, एमिडस्ट कह रहा है कि सेट एमिडस्ट, एमिडस्ट मीन्स होता है बीच में, द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, कह रहा है कि सेट में स्थित है, एविडेस्ट में बीच में, कह रहा है कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में उसका घर क्या था, स्थित था, ढाके के हरे भरे खेतों में उसका घर स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, दूर दूर तक, दूर दूर तक उसको अपने घर के कोई स्मृति नहीं थी, उसके दिमाग में कोई भी स्मृति नहीं थी, उसके माइंड में कुछ भी यादें उसकी नहीं थी, वो सब कुछ मिट चुका था उसके दिमाग में, यानी उसका घर जो था वो अपने घर को क्या कर चुका था, पूरी तरीके से भूल चुका था। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, कह रहे कि जहां वो रहता था, ठीक है, जहां वो रहता था वहां पर बहुत सारे तूफान और आंधियां आते और उसके घरों को उड़ा ले जाते थे। कह रहा है कि बहुत सारे क्या आते, देयर वेयर मेनी स्टॉर्म, बहुत सारे आंधियां, स्टोर्म मीन्स आंधी, दैट स्विफ्ट अवे, उड़ा ले जाते, देयर फील्ड्स उसके खेत एंड होम और उसके घर। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है, कह रही कि उसकी माँ उसे बताती है कि जहाँ वो रहता था पहले, उसका घर था, जब आंधी और तूफान आता था तो क्या करता था, उसके घर को ही उड़ा ले जाता था, बहा ले जाता था, बड़े बड़े जब तूफान आते थे। ठीक है, That's why, इसीलिए या फिर इसी कारण, That's why means इसीलिए या फिर इसी कारण, ठीक है, That's why, इसीलिए या तो इसी कारण, They left, उन लोगों ने घर को छोड़ दिया, Looking for gold in the big city, और एक बड़े से शहर में धन के लिए निकल पड़े,
यानी लुकिंग फॉर गोल्ड यानी धन की तलाश में इन द बिग सिटी बड़े शहर में निकल पड़े। वेयर जहाँ ही नाउ लिव्स अब वो लोग रहते थे, यानी कि जहाँ वो अब रहता था। क्यों निकल के आया? क्योंकि उनको धन की तलाश थी, इसीलिए वो निकल आया। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कह रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एल्स टू डू इसके अलावा, नथिंग करने को कुछ नहीं है, कह रहे कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ही म्यूटेड, वह बड़बड़ाया, लुकिंग अवे नजरे बचाते हुए, कह रहा है कि वह अपने नजरे बचाते हुए वो बुदबुदाया। म्यूटर्स मीन्स होता है बुदबुदाना, मतलब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बोलना, ठीक है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो, कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। लेकिन क्या कहती है कि गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। ऐसे ग्लिबली, मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा, रियलाइजिंग एहसास भी हुआ इमिडिएटली तुरंत कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि ये जो मेरा सलाह है वो कितनी खोखली है, उसको कितना खोखला लगा होगा। जो मैं उसको सलाह दे रही हूँ स्कूल जाने के लिए, वो मेरा सलाह उसको कितनी खोखली लगी होगी, उसमें कोई दम नहीं है। अब वो बच्चा जो जो कूड़ा बीन करके अपना पेट पालता हो, उसका घर चलता हो, वो कहाँ से पढ़ाई करेगा, कैसे स्कूल जाएगा, जिसका कोई जिंदगी का ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कह रहे कि देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड। वो कहता है, यहाँ साहेब कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड ऑन आई विल गो, जब कोई स्कूल बनाएगा तब मैं जाऊंगा। कह रहे कि वेन दे बिल्ड, जब कोई बनाएगा, आई विल गो तब मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट स्कूल, यदि मैं स्कूल खोलूं तो विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा। यहाँ एनिस जंग जो है राइटर्स, वो कह रही हैं कि इफ आई स्टार्टेड स्कूल, यदि मैं स्कूल खोलूं तो विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाकिया अंदाज में, सहज लहजे में, बिल्कुल अंदाज भरे नजरों में उन्होंने पूछा। उसने कहा, और फिर साहब ने जवाब दिया, एस हाँ ही से, उसने कहा, स्माइलिंग ब्रॉडली, खुलकर उसने मुस्कुराया। कह रहा है कि खुलकर वो मुस्कुराया और कहा कि हाँ मैं अवश्य आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए भागते हुए आ रहा है, आता है। कह रहा कि मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए भागते हुए आता है और कहता है, मुझसे पूछता है कि इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। कौन पूछता है? साहेब पूछता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। कह रहे कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। आई से, मैंने कहा, इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर बट ऑफ हिज ब्लीक। कह रहा है कि स्कूल बनाने में बहुत ही समय लगता है। आई से, इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, जो मैं वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी, ऐसा वादा करने के कारण गलान से भरी हुई थी, ठीक है। करे कि उस वादा को, जो मैं वास्तव में पूरा नहीं करना चाहती थी, ऐसा वादा करने के कारण मैं गलान से क्या थी, भरी। मैं कहती हूँ, क्या कहती हूँ कि बट, लेकिन अ प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, किंतु मेरे जैसे वादी उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। कह रहे कि बट प्रॉमिस लाइक माइन, मेरे जैसे वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक वर्ल्ड मीन्स, ब्लीक वर्ल्ड मीन्स होता है फीका संसार। कह रहा है कि मेरे जैसा जो वादा है उसके फीके संसार के हर एक कोने में, एवरी कॉर्नर में क्या है, भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, कह रहे कि मैंने उसे महीनों जानने के बाद
जब मैंने महीनों उससे मिल लिया तब मैंने उसको क्या पूछा, नाम पूछा। आई आस्क, मैंने पूछा हिम हिज नेम, उसका नाम। उसने बताया, क्या नाम बताया, साहेब ए आलम। उसने अपना नाम बताया साहेब ए आलम। ही अनाउंस, उसने घोषणा किया, करके उसने घोषणा किया कि उसका नाम क्या था, उसका नाम था साहेब ए आलम। ठीक है, क्लियर। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता था, करके ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता था कि व्हाट इट मींस, कि इसका मतलब क्या है, यानी उसके नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका मतलब जान जाता, कह रहा है कि यदि इसका मतलब जानता कि इसका अर्थ क्या है, तो व्हाट इज मीन, उसका मतलब नहीं। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कह रहा है कि यदि उसका अर्थ, यदि वो जान जाता किसका, उसके नाम का, कि द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का मालिक, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का मालिक, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीव इट, तो उसको इस बात पर विश्वास करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाएगा, उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम्स रिप्रेजेंटेड, अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ, कह रहा है कि अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंटेड, अपने नाम से क्या था, बिल्कुल अनभिज्ञ था, अपने नाम से बिल्कुल वो अनभिज्ञ था, अनजान था, वो बिल्कुल भी नहीं जानता था अपने नाम को। कह रहा है कि वो अपने नाम को बिल्कुल भी नहीं जानता था। ठीक है, देखिए आगे। He roams the street with his friend, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता था। कह रहा है कि वह अपने मित्रों के साथ कहाँ घूमता था, गलियों में घूमता था। ही रूम्स विथ हिज स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपीयर्ड एट नून, जो नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज है। कह रहा है कि एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, नंगे पैर वाले लड़कों की एक ऐसी फौज है, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं। हु अपीयर मन दिखाई पड़ते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह की पक्षियों के बाद, एंड डिसअपीयर्ड एट नून, और दोपहर होते ही क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। ओवर द मंथ, महीनों से मिलते रहने के कारण, कह रहा है कि ओवर द मंथ, महीनों से मिलते रहने के कारण, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, हम एक दूसरे को, यानी कि प्रत्येक को मैं उनमें से पहचान गई थी। कह रहे कि मैंने उनसे महीनों मिली थी, और महीनों मिलने के कारण मैं उन लोगों को क्या हो गई थी, पहचान गई थी। ठीक है, क्लियर। देखिए कह रहा है कि व्हाट आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, मैंने उसमें से एक से पूछती हूँ, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है, व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, वह कह रहा है, ही आंसर्ड सिंपली, वह सीधा सा उत्तर देता है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी माँ उन्हें ताक या टाट, सेल्फ मीन्स टाट या टाड़ या अटारी। कह रहा है कि माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग, नहीं लेके आई या फिर नहीं उतारी, ब्रिंग देम डाउन, नीचे, फ्रॉम द सेल्फ, ताक या अटारी पर से। कह रहा है कि उसने सीधा सीधा उत्तर दिया कि मेरी माँ ने मेरी चप्पलों को अटारी या ताक पर से ऊपर उतारी नहीं। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़, वह उतार भी देता तो उन्हें फेंक देगा। कह रहा है कि इवन इफ सी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उतार भी दे तो वह उन्हें क्या कर देगा, फेंक देगा। एट अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो दूसरा, जिसने क्या था, डिड नॉट मैच, ऐसा जूता पहना था जो एक दूसरे से मैच, यानी मेल नहीं खा रहा था। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैं इन जूतों पर कुछ टिप्पणी करती हूं, तो ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग्स। कह रहा है कि जब मैं इन जूतों पर टिप्पणी करती हूं, तो सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग्स,
तो वह अपने पैरों को इधर उधर क्या करता है, घसीटता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। क्योंकि जब मैं उनके जूतों पर टिप्पणी करती हूँ तो केवल जूतों क्या करता है, वो घसीटता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। ठीक है, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूता चाहिए, से थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा। कहने कि तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, जूता चाहिए। हु हैज नेवर ऑन ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जो उसके पूरे जीवन में जिसके पास कभी जूते नहीं रहा करते थे। कह रहे कि उसके पूरे जीवन काल में कभी भी उसने जूते नहीं पहने थे। उसने कहा कि मुझे क्या चाहिए, जूते चाहिए। कह रहा है कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर में घूमते हुए, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर में मैं यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रेंस वॉकिंग बेयर फुट, मैंने शहरों में गांव और की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा। सिटीज ऑन विलेज रोड, कह रहे कि आई हैव सीन, मैंने देखा चिल्ड्रेंस बच्चों को वॉकिंग घूमते हुए बेयर फुट नंगे इन सिटीज शहरों में, ऑन विलेज गांव में रोड सड़कों पर। कह रहे कि शहरों और देशों की मैंने यात्रा करते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो नंगे पांव सड़कों पर गलियों में गांव में वो लोग घूम रहे थे। ठीक है, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट। कह रहे कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसों की कमी के कारण नहीं था। कह रहा है कि यह पैसों की कमी के कारण नहीं था, किसके कारण था ये, बट लेकिन ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट, उनकी एक परंपरा थी, जो ये परंपरा थी कि नंगे पैर रहना है। कह रहे कि नंगे पैर रहना उनका क्या था, एक परंपरा था, बेयर फूट में नंगे पैर, ट्रेडिशन में परंपरा। ठीक है, क्लियर, कोई भी अगर डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। इट वन एक्सप्लेनेशन, करें कि इट वन एक्सप्लेनेशन, सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण। कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं, मैं सोचती हूं कि इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये क्या सतत बनी रहने वाली गरीबों की दशा की व्याख्या के लिए ये एक बहाना नहीं है। कह रहा है कि इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, केवल एक बहाना नहीं है टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने के लिए, अब ये परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी माने गरीबी की ऐसी दशा। कह रहा है कि गरीबी की ऐसी दशा के लिए ये बनी रहने के लिए हमेशा एक बहाना नहीं है। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन देखते हैं। कह रहा है कि आई रिमेंबर ए स्टोरी मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी, कह रहे कि आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। ए मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी, जो ओडीपी के एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय, जब वह एक नौजवान लड़का था, तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, करे कि जब वो लड़का था तब वह स्कूल जाते वक्त, तो वो स्कूल जाते वक्त पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। कह कि जब भी वह स्कूल जाया करता था तो उसके रास्ते में एक पुराना मंदिर आता था, वहां से होकर के जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रियस्ट, जहां पर उसके पिताजी पुजारी थे। कह रहा है कि वो लड़का जब वहां से गुजरता था तो उसके पिताजी वहां मंदिर में क्या थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, वह थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़ी देर ठहरता था एट द टेम्पल, मंदिर पर। कह रहे कि वह थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता था, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वह एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। कह रहा है कि वो लड़का जब वो मंदिर के पास से गुजरता था तो वो एक जोड़ी जूतों के लिए हर दिन भगवान से क्या करता था, प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे एक जोड़ी शूज मिल जाए बस, क्योंकि वो लोग वहां
शूज नहीं मिलता था बच्चों को पहनने के लिए, वह एक परंपरा मानी जाती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो गरीबी ये कह लें या फिर उनकी मजबूरी कह लें, जो भी कह लें, वो शूज नहीं पहनते थे, वो नंगे पैर ही रहते थे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, अगर न आए तो हमें आप तुरंत बताएं। 30 years later, 30 साल के बाद, कह रहा है कि 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन इन द टेम्पल, कस्बे और मंदिर में गई, कह रहे कि मैं कस्बे और मंदिर में गई, विच वॉज नाउ डॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, कह रहा है कि जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा हुआ था, कह रहा है कि विच वॉज जो अब ड्राउन इन एयर ऑफ डिसोलेशन, जब उजाड़ के प्रभाव में डूबा हुआ था, इन द बैकवर्ड या पिछड़ा था या पिछवाड़े था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रियस्ट, जहां अब एक नया पुजारी रहता था, देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, लाल और सफेद प्लास्टिक की अब वहां पर क्या थी, कुर्सियां थी, कह रही कि देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, कह रही कि लाल और सफेद कलर की प्लास्टिक की क्या थी, कुर्सियां थी, यंग बॉय ड्रेस इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, कह रहे कि एक स्लेटी रंग के गड़वेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाफता हुआ आया, कह रहा है कि ये यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, कह रहे कि एक स्लेटी रंग का ग्रे यूनिफॉर्म, स्लेटी रंग का कपड़े पहने, मोजे पहने, जूते पहने एक छोटा लड़का हाफता हुआ आया और अपना बस्ता यानी स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, कहां फोल्डिंग वाले बेड पर उसने फेंक दिया, पटक दिया। ठीक है, क्लियर। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, कह रहे कि लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आ गई, कह कि जब मैंने लड़के को देखा तो मुझे वो प्रार्थना याद आ गई, द प्रे अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो कि एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी, गॉडेस माने देवी से की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे, जो उसने प्रार्थना किया था अंत में उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे, लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन्हें कभी न खोऊं, कहता है कि लेट मी नेवर लूज देम, मैं इसे कभी न खोऊं, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी, गॉडेस भी सोता है देवी, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रियस्ट नाउ और सूज, अब कह रहा है कि यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रियस्ट नाउ और सूज, अब ऐसा लग रहा था कि ये जो लड़का है वो पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़कों के जूते पहन रखे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि यंग बॉय, छोटा लड़का, वो पुजारी के बेटे की तरह उसने जूते पहन रखे थे, बट लेकिन मैनी अदर्स लाइक रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, कह रहे थे परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बिनने वालों की तरह अन्य बहुत से लड़के बिना जूतों के ही रहते थे, कह रहे कि बट लेकिन मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स, कूड़ा बिनने वाले इन माई नाइबर्स, मेरे पड़ोस में रिमेन शूजलेस, बिना जूतों के ही रहते थे। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट्स हो, किसी प्रकार का डाउट्स हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम उसे तुरंत क्लियर करेंगे। तो हमने आज टोटल 4 पैराग्राफ कवर कर लिया, अगला पैराग्राफ देखेंगे अगली वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।